Guys, welcome back to my channel. Generally, I make funny videos, DIYs, challenges, but sometimes I also do vlogs. Yes, so welcome to my vlog. कल मैंने एक वीडियो देखी थी कपिदास किचन की. उसमें उन्होंने मैकडी स्टाइल में एक घर पे ही बर्गर बनाना सिखाया हुआ था. सो मुझे वो वीडियो देखने के बाद बहुत क्रेविंग होने लगी. सो आई हैव डिसाइडेड कि चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वो एग्जैक्टली मैकडी वाला बनता है या नहीं. और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ ये रेसिपी और खाने के बाद टेस्ट मैकडी वाला आ रहा है या नहीं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ओके सो लेट्स गेट इन द वीडियो. तो सबसे पहले मुझे चाहिए 2 बॉइल पटाटोज एंड चॉप ग्रीन चिलीज एंड इसको हम मैश करेंगे. सो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक मिर्च और चाट मसाले और आमचूर पाउडर डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लिया. उसके बाद मुझे चाहिए 1 बाउल मैदा एंड इसमें हम जितनी क्वांटिटी में मैदा लिया है उतनी क्वांटिटी में हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे. वाइट वाला कॉर्नफ्लावर ही हमको ऐड करना है. सो हियर आई एम गोना ऐडिंग दिस. उसके बाद इसमें पानी मिला के थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेंगे. उसके बाद हमको बनानी है टिक्की. जो ये आलू का हमने पेस्ट बना के रखा है इसको लेके हाथ में रोल करना है. मेन इंग्रेडिएंट आई गेस ये टिक्की ही है. बाकी तो मैं बहुत सिंपल है बनाना. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन कुकिंग सो जैसा हो रहा है बना रहे हैं. आफ्टर दिस वी नीड सम ब्रेड क्रम्स. उसके बाद जो ये हमने पेस्ट बना के रखा था मैदा और कॉर्नफ्लावर का इसके बाद हमको इसके अंदर डिप करना है दोनों साइड से. ब्रेड क्रम को उसके ऊपर लगाना है दोनों साइड. पिता दीदी ने बताया था कि 2 लेयर कर लो इसकी ताकि ये बिल्कुल ही सुपर क्रिस्पी बन जाए. सो आई एम डूइंग एग्जैक्टली दैट. आई एम डूइंग सेकेंड लेयर ऑफ दिस अगेन. इसको इसके अंदर इसको हमारी एक टिक्की तो रेडी है अभी रेडी नहीं है. हम इसको फ्राई भी करेंगे. तो अब बारी हम टिक्की इसको डीप फ्राई करने को तेरे से. उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ये हमारी बर्गर वाला सॉस बन गई है. गोभी पत्ता वाली लीव्स चाहिए ये ऑप्शनल है टोटली. एंड देन सम अनियंस राउंड शेप में एंड देन सम टमाटोज वो भी राउंड शेप में. Hey.
वेट टू हैव दिस। इतना ज्यादा ये बड़ा बन गया है, मेरे मुंह में नहीं आ पाएगा। ओके इट्स सो यम्मी। सही कहा था कविता दीदी ने, बहुत टेस्टी है, एकदम मैगी जैसा तो नहीं है बट उसके जैसा ही है, मतलब उसके जैसा नहीं है तो ठीक है, 70-80% सिमिलर ही है। एंड आई एम लविंग इट। जब बाहर नहीं जा सकते यार, घर पे इतना टेस्टी बना के तो खा सकते हैं ना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिक्की अगर आप नहीं बना सकते तो मकैंस वाले टिक्की लेके, और उसके बाद तो सुपर सिंपल है ही। सो ज़रूर बना के मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।